बड़े भैया अंदर क्या हुआ? दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th. आजाओ मैडम. सुविधाएं जो है यहाँ पर इतने आते के कट्टे जो है जो अपने में है इसके बावजूद यह कहा जा रहा है लोगों के पास होने के बावजूद तो कोटड़ा में पत्रकार कॉलोनी के ऊपर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिन पे एमपी की लेबर रहती है. यहाँ से हर रोज़ शिकायतें आती है कि यहाँ की जो लेबर है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करती है, न मुँह पे मास्क बांधती है और इसके अलावा रोड के ऊपर बैठे रहते हैं, रोड डिवाइडर पे हमेशा बैठे रहते हैं. जब भी कोई भामाशाह वगैरह आते हैं खाना लेके या सूखी सामग्री लेके तो उनके साथ लूट खसोट करते हैं और उनको छीना झपटी करते हैं और इवन भामाशाहों के साथ मारपीट भी करते हैं. तो इस सूचना पर लगातार यहाँ पर निगरानी की गई 2-4 दिन लगातार. तो आज भी इसी क्रम में सूचना मिली थी कि भाई ये सारी लेबर जो है बाहर रोड पे झुंड बना के बैठी हुई है. इस पर थाने से सिग्मा आई थी और आने के बाद में उन्होंने जब इनको सबको अपने अपनी झुग्गियों में जाने के लिए कहा तो उनको चारों तरफ से घेर लिया और बदतमीजी करनी शुरू की. इस सूचना पर पूरे जाब्ते के साथ मैं आया मौके पर और जब आए तो इन्होंने हाउलड़ करना और उड़दंग करना शुरू किया. तो इनको सिविल बल का प्रयोग करते हुए तीतर बितर किया और तीतर बितर करने के बाद में ये जो फिर भी उसके बावजूद 3 व्यक्ति थे जो ज़्यादा पुलिस के साथ मजामत कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके थाने भिजवाया. अब इनकी एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है, इनके झुग्गियाँ चेक करके पता लगाया जा रहा है कि कितना सामान है. जब तो देखा गया कि इनके पास काफ़ी मात्रा में खाने पीने का सूखी सामग्री वगैरह इकट्ठी हो रखी है और इसके बाद भी जब भी इनकी ज़रूरत होगी प्रशासन के माध्यम से ही अब यहाँ पे सामग्री भिजवाई जाएगी. किसी भी भामाशाह को इधर नहीं आने दिया जाएगा और प्रशासन के माध्यम से ही इनको खाने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. नहीं, प्रशासन क्या एक्शन ले इसमें, हम सूचना उपलब्ध करा देंगे प्रशासन को कि भाई यहाँ इन्होंने सूखी सामग्री का अत्यधिक स्टोरेज कर रखा है, इसकी सूचना हम प्रशासन को उपलब्ध करा देंगे.